आपको चिकन दो प्याजा बनाना सिखाऊंगी। मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी है हमें। सबसे पहले 2 किलो चिकन, ये हमें 4 प्याज की डलियाँ ली हैं, इसको हमने बारीक बारीक काटना है। 1 चम्मच जीरा और ये 2 बड़ी इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें, 4 लौंगे, 1 ये दालचीनी का टुकड़ा और ये 2 तेज़पात हमने ये डालने हैं। इनके साथ साथ अच्छी तरह कराना है, कड़कड़ा लेंगे। फिर हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच मिर्चे, लाल मिर्चे, ये सब डाल के हमने भूनना है अच्छी तरह। उसके बाद हमने ये बारीक कटी हुई प्याज डालनी है। हमने 1 नाप ऑयल लिया है, अब हमने ज़ीरा डाल दिया उसमें 1 नाप ऑयल में। उसके बाद हम लहसुन अदरक डालेंगे, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हम फ्लेम स्लो करेंगे। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर बड़ा 1 चम्मच खाने का, हल्दी 1/2 चम्मच, ये गरम मसाले के अंदर 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 लौंगे और 10-12 काली मिर्चें, ये गरम मसाला 1/2 चम्मच, सबको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो पानी डालेंगे, ये प्याज, ये प्याज हमने 6 गट्ठियाँ लिए हैं, इनको काट लिया बारीक बारीक। अब हम इस मसाले में ये प्याज डालेंगे, ये प्याज डाल दिया हमने, अब इसको कचरा होने तक, यानी के सौदे होने तक थोड़ा सा, थोड़ी सी आधी पक्की आधी कच्ची होगी, फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे। फ्लेम हम तेज कर रहे हैं, फिर अच्छे हम अलग अलग कर लेंगे। ये 1/2 चम्मच हम डाल देंगे, अब हम चिकन डालेंगे, ये हमारा 1/2 केजी किचन है, 1/2 केजी है, ये हम डाल देंगे, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये मैंने टमाटर और दही दोनों का मिक्सर बना के रखा हुआ है, जब ये गल जाएंगे थोड़े से अधूरे हो जाएंगे, ये मैं डालूँगी, इसके बाद भून के उतार लेंगे, ये तैयार हो जाएगा। चले, ये अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको ढक देंगे, अब इसको 5 मिनट के लिए ढकेंगे। अब पक रहा है, पत्ते में मैंने 2 तेज़पात के पत्ते डाले, ये देखो, इससे अच्छी खुशबू आ जाती है और हमारे लिए भी बहुत मुफीद है, तो हमने करना चाहिए, डालना चाहिए। अभी हम भुनने का इंतज़ार कर रहे हैं, भुन जाएगा तो उसके बाद हम ये पेस्ट डालेंगे। चिकन भुन रही है, सब भुनाई पे है,
अब हम जो है ना इसके अंदर प्याज डालेंगे। अच्छा, प्याज मैंने जो दिखाया था आप लोगों को, मैंने कच्चा डाला था, इसके अंदर सोते वोते नहीं करा था, कच्चा प्याज डाला था। चार ऑनियन डाले थे मैंने, आपको बताया था चार ऑनियन डाल देंगे। ये भून गया है अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर पहले तो हम ये डालेंगे, ये हमारा घर का बलाई होता है, ताज़े दूध का हम लोग निकालते हैं, ये ताज़े दूध का बलाई है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। एक बड़ा चम्मच है ये, पहले ये डाल के हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार और लजीज बनेगा, आप बनाएंगे खाएंगे मुझे याद करेंगे, शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा अच्छी तरह से भुन भुन गया है। अब हमारे जो पेस्ट रखा हुआ है टमाटर और दही का, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आधा पाव दही है इसके अंदर और बड़े वाले टमाटर चार, ये हम शामिल करके इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे, हल्की आंच पे। मिस बस, अब ये आधे घंटे के बाद तैयार हो जाएगा, इसको आधे घंटा हमने छोड़ना है, ये सिलो पे चल पकेगा ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। चलो 5 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसको बंद करके डिश आउट करेंगे। चूल्हा बंद कर रहे हैं और उसको डिश आउट करें। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, खा के देखिए कितना लजीज है, काश मैं खिला सकती आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर दिया मैंने इसकी खूबसूरती के लिए, कि खूबसूरती बढ़ जाए और जायका भी अच्छा हो जाए। आप इसको नान से खाइए, चपाती से खाइए, पराठे से खाइए, जिससे भी खाएंगे उससे लाजवाब लगेगा आपको। आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, तो लाइक शेयर करें और मुझे बताएं कोई नई चीज़ अगर पकानी हो, आपको पसंद हो, मैं आपको पका के खिलाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आपको ये भी बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़बरदस्त बन गया।